हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फरियादी बनकर गया था, इस मुल्क का फरियादी हूँ, इस मुल्क की बेहतरी का फरियादी हूँ। लेकिन हमने कोई जाती बात नहीं की, हमने मुल्क की बात की। मेरे गवाह चीफ जस्टिस साहब है, मुलाकात मेरी और चीफ जस्टिस की तो क्यों है? मुलाकात तो बड़ी अच्छी है लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है, ये कौन सी सियासत है? चीफ जस्टिस के पास फरियादी बनकर गया था, वजीर आजम ने मान लिया, कहा चीफ जस्टिस मेरे गवाह हैं, कोई जाती बात नहीं की, मुल्क का फरियादी बनकर गया था, बतौर वजीर आजम मुझ पर लाजिम है कि मुल्की मसाइल के हल मुलाकात करूं। मुखालफीन को भी खरी खरी सुना दी, कहा मुलाकात मेरी और चीफ जस्टिस की हुई, तकलीफ आपको क्यों हो रही है? पहले कहते हैं इदारे आपस में बात नहीं करते, अगर बात करें तो तनकीद करते हैं, ये कैसी सियासत है? इल्जामात की इस सियासत को जुलाई में दफन कर देंगे। इन लोगों को घर भेजने की जरूरत है, मैं इनको चैलेंज देता हूँ। जरदारी इमरान खान अगर ये कह दे हमें वोट नहीं खरीद, चेयरमैन सेनेट जो है बगैर पैसे के बना है, अगर उनको जमीर नहीं है, उनको शर्म नहीं आती, तो सिर्फ ये बात कह दे, ये सियासत हमें दफन करनी है। चाहे इमरान खान को तकलीफ हो, आसिफ अली जरदारी को तकलीफ हो, किसी और को तकलीफ हो, तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। डट गए एवानी वाला के चेयरमैन की बालादस्ती कबूल करने से एक बार फिर इनकार, कहा पैसे देकर चेयरमैन सेनेट बनने वाले लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को घर भेजने की जरूरत है। लगे हाथों इमरान खान और आसिफ जरदारी को चैलेंज भी दे डाला, कहा अगर जमीर और शर्म नहीं है तो कह दें कि वोट नहीं खरीदे, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे, चाहे इमरान को तकलीफ हो या जरदारी को किसी और को, अब ये तकलीफ सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नैब की अदालत से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। मैं बरबला ये कहता हूँ, जो इल्जाम लगाए गए उनमें कोई हकीकत नहीं है, कामे की बात हुई उस पर फारिग कर दिया। इन फैसलों से मुल्क में नुकसान होता है, तरक्की रुक जाती है। वजीर आजम शाहिद खाकान की एक बार फिर अदालतों पर तनकीद, कहा एहतसाब अदालत से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ को हाई जैकर बनाया और अब एक अकामे पर घर भेज दिया, ऐसे फैसलों से मुल्क का नुकसान होता है, तरक्की है। नवाज शरीफ पर लगे तमाम इल्जाम भी झूठे करार दे दिए। फरियादी कहा था तो उस पर कायम रहते, चीफ जस्टिस साहब वजीर आजम आए थे, आपको ये कहना भी जेब नहीं देता। इसके एहतसाब अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मुशर्रफ का ट्रायल मंतकी अंजाम को जरूर पहुंचेगा, मुशर्रफ को एक दिन कठहरे में खड़ा होना पड़ेगा, अब एहतसाब सबका होगा। गद्दारी केस का बेंच टूटने पर तबसरा किया, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एनआरओ का जमाना गुजर गया, जिन्होंने माजी में एनआरओ किया वो आज अपनी गलती मान रहे हैं, इस बार सियासी जमातें एनआरओ की इजाजत नहीं देंगी। शाह महमूद कुरैशी की होम ग्राउंड से नून लीग पर तनकीद, कहा मुल्क में महाजराई की सियासत दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म के बयान से वज़ीर आला बलूचिस्तान हैरान, अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी को ऐसा बयान जेब नहीं देता, हम नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के मरकज से ताल्लुकात खराब हो, वफाकी हुकूमत पर तवज्जो नहीं दे रही। शरीफ फैमिली का मुआहदा बरतानिया की कानूनी फर्म ने किया, ट्रस्ट डीड की तस्दीक मैन के खत से हुई, बराह रास्त रابطہ नहीं किया, सॉलिसिटर की खिदमात ली, बरतानवी कानूनी फर्म को भी पाकिस्तान भी नहीं बुलाया। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में जेआईटी सरबरा वाजिद जिया को आज भी कड़े सवालात का सामना,
ख्वाजा हारिस और नैब के वकील में आज भी गर्मा गर्मी। खान हाजिर हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कप्तान के खिलाफ तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 4 अप्रैल को इस्लामाबाद में समाअत होगी। इमरान खान पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में मुआज़्ज़िज़ जज के खिलाफ तौहीन आमिर जुमले का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए अदलिया से मदद मांग ली। आम इंतखाबात में जुडिशियल अफसरान को रिटर्निंग अफसरान तैनात करना चाहते हैं, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस की फेहरिस्त की जाए। इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत। माजी भुलाना है, अब आगे बढ़ना है, हालात को साजगार करके क्रिकेट को बहाल करना है। पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया भी अम के खाहा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे में दिल खोल कर रख दिया। पाक भारत रवाबित बेहतर बनाने पर भी जोर। पाकिस्तानी सियासत से बलाला परेशान, वजीर आजम बनने के इरादे से पीछे हट गई। कहती हैं बचपन में सोचती थी कि वजीर आजम बनकर मसाऊंगी, लेकिन ये आसान काम नहीं है। ख्वाहिश है मुल्क में हर बच्चे को मयारी तालीम मिले। फैसलाबाद की आपदा के लिए पूरी कौम एक जबान, सड़कों से सोशल मीडिया तक जस्टिस फॉर आपदा मुहिम जारी। कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर जेसी यूनिवर्सिटी के तलबा भी सड़कों पर निकल आए। मोबाइल की मदद से एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी। कराची का कचरा साफ करने वालों को जान का खतरा, वाटर के दौरान चीनी हुक्काम का इंकशाफ। सरबरा वाटर कमीशन का धमकियां देने वाले मुलाजमीन की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। शहर में कचरे के ढेर पर भी बरहमी का इजहार, कंपनी को अदायगी रोकने का हुक्म भी दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम के बाद हुकूमत मेहरबान, मुतालबात मंजूर हुए तो लेडी हेल्थ वर्कर्स ने भी कर दिया धरना खत्म। 5 रोज बाद माल रोड खाली कर दिया। एहतजाजी धरना खत्म होने से आवाम भी खुश हो गए। इंतजार कत्ल केस एटीसी से सेशन कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त, सरकारी वकील और दीगर नोटिसेस जारी कर दिए गए। मकतूल इंतजार के वालिद कहते हैं जेआईटी पर एतमाद है, लेकिन तहकीकाती टीम ने अब तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। अदालत में रिपोर्ट के ताखीर का इल्जाम इंस्पेक्टर तारिक रहीम को कत्ल का मरकजी किरदार करार दे दिया, जमानत मंसूख करने का मुतालबा। परवाज में हुए सवार मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार, कराची एयरपोर्ट के लाउंज में साथ बैठकर गर्मा गर्म कॉफी पी। फारूक सत्तार ने कुछ अपनी सुनाई, कुछ कमाल की सुनी। जराए ने दुबई में भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। रहीम यार खान में रहमत आई, खुशियां साथ लाई। शेख जैद अस्पताल में खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटे और 2 बेटियां, सच्चा बच्चा दोनों खैरियत से हैं। बच्चियों की मोहब्बत खातून को लिथुएनिया से पाकिस्तान खींच लाई। मैमूना का खाविन 7 साल पहले बच्चियों को गुजरांवाला ले आया था, आज मैमूना सुप्रीम कोर्ट आ गई। चीफ जस्टिस का खुद नोटिस, बच्चियों को पेश करने का हुक्म। इस
स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 6% की मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं की नजरबंदी 2 साल बाद खत्म। घर से बाहर निकलने की मशरूत इजाजत मिल गई। सैयद अली गिलानी समेत दीगर रहनुमाओं ने कई महीनों बाद नमाज जुमा अदा की। काबिज इसराइलियों फलस्तीन से निकल जाओ। गजा में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सरहद की जाने मार्च किया। इसराइली फौज की फिर मजलूम और निहत्ते एहतजाजियों पर फायरिंग। फलस्तीनी शहीद कर दिए, 500 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी गुड फ्राइडे मना रही है। गिरजा घरों में इबादत और अम के गीत गा रही है। पोप फ्रांसिस ने भी गुड फ्राइडे मनाया। इस्लाही मरकज में कैदियों के पांव को धुलाया।